हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में। मेरे सभी मित्र मस्त और स्वस्थ होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत करें फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेस्ट यूज़ ऑफ वेस्ट मटीरियल, यानी जो बेकार की चीज़ें होती हैं उनको हम अपने गार्डन में किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और उनमें प्लांट भी बहुत ही अच्छे से चलते हैं, प्लांट ग्रो भी करते हैं, हरियाली भी आती है और फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं मेरे गार्डन में फ्रेंड, कितने आइटम इस तरीके के हैं मेरे गार्डन में, आज मैं आपसे वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो में बने रहिए और वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आए फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फ्रेंड, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ये हमारे घर में रोजाना ही निकलता है, कोई दिन भी शायद ऐसा ना होता हो कि ये चीज़ें हमारे घर से नहीं निकलती हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर से रोजाना ही निकलती रहती हैं, तो क्यों नहीं दोस्तों इन चीज़ों का हम अपने गार्डन में यूज़ करें और एक छोटा सा सुंदर सा गार्डन बना डालें, चाहे वो बालकनी गार्डन हो चाहे वो छोटा सा टेरेस गार्डन हो। फ्रेंड, ये जो बोतलें होती हैं ये आराम से ही, मैं अपनी हर वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ कि ये जो बेकार की चीज़ें होती हैं ये 4 से 5 साल आराम से चलती हैं, इन्हें कुछ भी नहीं होता है। मेरे गार्डन में ऐसा भरमार है फ्रेंड, क्योंकि मैं इन चीज़ों का यूज़ 4 से 5 साल हो चुके हैं करती आ रही हूँ, इसलिए कलेक्शन जो है मेरा बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। अब जो है ऐसा लगने लगा है कि अब इन चीज़ों को मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि टेरेस भी छोटा लगने लगा है, इतना ज़्यादा कलेक्शन मेरे पास बढ़ता ही चला जा रहा है। तो देखते हैं, ये देखिए ये फ्रेंड बॉटल है, जो माजा वगैरह की बॉटल आती है वो है, और उसमें लगा हुआ है ये मेरा मॉसरोज का पौधा, और जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है फ्रेंड। ये देखिए फूल भी आए हुए हैं, आप देखिए 3 फूल इसमें खिले भी हुए हैं। इस तरीके से डोरी इसमें मैंने लगा दी यहाँ पर देखिए, और डोरी लगाने के बाद यहाँ पे कील लगाकर मैंने इसको जो है दीवार में कील लगाकर इस तरह हैंग कर दिया है। अगर आपके पास जगह की कमी है फ्रेंड, जगह नहीं हो पाती है, तो इस तरीके से आप जो है छोटी सी कील आप हैंग करके इस तरीके से जो है आप इसको टांग सकते हैं। देखिए जो ये वायर है, ये वायर भी जो हमारे घर में बिजली का काम वगैरह होता है फ्रेंड, तो वो पड़ी हुई थी, उसी का ही यूज करके देखिए मैंने ये जो है इसको तैयार कर दिया। और इसमें मिट्टी भी बहुत कम आती है फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि इसमें मिट्टी बहुत ज्यादा आती है, इसमें मिट्टी भी बहुत कम मात्रा में आती है, और देखिए प्लांट बहुत अच्छे से मेरा चल रहा है। देखिए एक बॉटल मेरी वहां भी लगी हुई है फ्रेंड, ये देखिए इसको भी मैंने कील में बांध के, और इस तरीके की बेकार जो हमारे घर में वायर होती है उसी से ही मैंने बांधा है, और ये बहुत मजबूत होती है ये वायर, जो कि टूटती नहीं है। देखिए बिल्कुल वेस्ट है, जो भी आप मेरे गार्डन में देखेंगे अधिकतर चीजें आपको वेस्ट का ही मिलेंगी फ्रेंड, मैं फेंकती ही नहीं हूँ। ये बिजली की तार, और इस तरह मैंने इसे बांध दिया, और देखिए कितनी मजबूत है ये तार, और इसमें मेरा पौधा लगा हुआ है। ये भी देखिए फ्रेंड, ये माजा की बॉटल है, ये देखिए ये माजा की बॉटल है, ये देखिए माजा की बॉटल, इसे ऊपर से मैंने कट किया और इसमें मैंने लगाई है ये कटिंग मैक्सिन पिटोनिया की। और ये देखिए फ्रेंड, ये डोरी है जो हमारे घर में जैसे वेस्ट कपड़े वगैरह होते हैं तो उनको फाड़ कर और इस तरीके से देखिए मैंने डोरी बना दी है, तो ये डोरी भी मैंने खरीदी नहीं है और बिल्कुल ही वेस्ट है फ्रेंड। इनको जो है उपयोग आप कर सकते हैं बहुत ही आराम से। और ये देखिए वेस्ट मटेरियल में मेरा पौधा मैक्सिन पिटोनिया का, जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है फ्रेंड। मेरे गार्डन में ऐसा भरमार आपको देखने को मिलता है। ये देखिए तेल की बॉटल है, और इसमें ये लगा हुआ है मेरा मॉसरोज, जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत सारी कलियां भी इसमें बन रही हैं, कटिंग से ये प्लांट लग जाता है। ये देखिए उसी प्रकार फ्रेंड, ये बाल्टी थी बिल्कुल टूट चुकी थी और अभी भी टूट चुकी है, फिर भी मैंने इसमें प्लांट ऐसे ही ग्रो कर दिया, और देखिए ये मॉसरोज बहुत अच्छे से चल रहा है, और ये सदाबहार भी इसमें लग गया, बीज से तैयार हो गया, देखिए इसमें भी फ्लावर आ रहे हैं। ये भी बिल्कुल वेस्ट है फ्रेंड मेरा। और मैं दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमारे घर में प्रोटीन वगैरह का यूज़ करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो वहाँ पे ये डिब्बा मिलता है फ्रेंड, और ये बहुत ही मजबूत है, ये देखिए बहुत मजबूत है, तो ये कहीं नहीं फ्रेंड आराम से 6 से 7 साल चलेगा, और इसको 2 साल से ऊपर तो हो चुके हैं गार्डन में यूज़ करते हुए मुझे। और इसमें भी देखिए मॉसरोज की कटिंग लगाती थी, इसमें फ्लावर आ रहे हैं, और ये मैंने सदाबहार का बीज गिर गया था फ्रेंड, उससे ये पौधा तैयार हुआ, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं इनके फूल, तो ये पौधा भी इसमें मैंने लगा दिया, जो कि बहुत अच्छे से फ्लावर दे रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी मॉसरोज बहुत अच्छे से खिल रहा है और उसमें फ्लावर भी आ रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, ये भी ऑयल का डिब्बा है, और इसमें लगा हुआ है मेरा सदाबहार का प्लांट, जो कि बहुत अच्छे से खिल रहा है। यहाँ पर भी देखिए ऑयल का डिब्बा है, इसमें भी ये सदाबहार लगी हुई है फ्रेंड, जो कि बहुत अच्छे से खिल रही है। यहाँ पर सारे ही सदाबहार है फ्रेंड, ये देखिए ये बेकार के ग्रो बैग हैं, और इसमें मैंने ये पर्सलिन की कटिंग लगाई है। ये देखिए ये भी बेकार का ग्रो बैग है, और इसमें मैंने ये लगाया है मॉसरोज की कटिंग फ्रेंड। ये बेकार टूटा हुआ घड़ा था फ्रेंड मेरे, ये देखिए, और इसमें मैंने ये मॉसरोज की कटिंग लगा दी। आप प्लांट की ग्रोथ देखिए, कितना घना प्लांट मेरा हो गया, ये देखिए। और यहाँ पे पर्पल हार्ट की कटिंग भी लगा दी, ये भी देखिए बिल्कुल वेस्ट है मेरे गार्डन में। और मैं दिखाती हूँ फ्रेंड आपको, ये देखिए यहाँ पर ये बेकार का निकला हुआ डिब्बा बिस्किट का, सोन पापड़ी का, और इसमें ये देखिए ये लगाया है मैंने मॉसरोज, अभी कटिंग से लगाया था, बहुत अच्छे से चल रहा है। ये भी देखिए फ्रेंड, बेकार का पॉलीबैग, और इसमें लगा हुआ है मेरा मॉसरोज।
ये सभी प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं फ्रेंड। ये देखिए, ये बॉटल को मैंने कट करके दो प्लांटर बना लिए, एक में मैंने कुछ और लगा दिया और ये छोटे से इसमें मैंने ये जो है रियो का प्लांट लगा दिया। यहाँ पे देखिए, ये बहुत छोटी सी बॉटल है फ्रेंड, आधी लीटर वाली भी है शायद, और इसमें देखिए मैंने कटिंग लगाई है यूफोर्मिलिया की, जो कि बहुत अच्छे से चल रही है। और ये देखिए, ये ऑयल का बॉटल है और सो कट कर दिया फ्रेंड। दूसरा बॉटल मैंने ऊपर का किसी और भी यूज़ में ले लिया, और ये इतना सा इसमें ये मैंने रियो की कटिंग लगा दी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये देखिए, ये बहुत छोटी सी बोतल जिसमें मैंने लगा दिया पर्पल हार्ट का प्लांट, और ये देखिए, ये छोटी सी बॉटल इसमें लगा दिया मैंने बेबी सनरोज का प्लांट। और यहाँ पर ये देखिए, ये डिब्बा है रसोई से निकलता है जो फ्रेंड हमारे डिलीवरी वगैरह होती है जब खाने की, तो इसमें मैंने ये ऐसे ही देखिए कटिंग लगा दी थी, डेविल बेकबोन की, एक रियो की और ये जेट की। देखिए फ्रेंड, जेट की कटिंग कितनी तेजी से ग्रो करती है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि ये कटिंग को मैं दिखाऊंगी। और ये देखिए, मैंने कटिंग लगाई थी बहुत छोटी छोटी, और ये कटिंग इतनी आसानी से इतनी तेजी से ग्रो करती है फ्रेंड, बहुत छोटी छोटी कटिंग भी इसकी लग जाती है। देखिए ये कटिंग लग गई है, इसको बस ऐसे ही हमें मिट्टी में दबा देना पड़ता है बस। ये देखिए, और ये देखिए बॉटल में लगा हुआ भी मेरा जेट प्लांट, जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है। ये देखिए फ्रेंड, तो ये बेकार की बोतलों को बिल्कुल भी ना फेंकें। ये देखिए, इसमें ये कौन कह सकता है फ्रेंड कि इन छोटी छोटी बोतलों में प्लांट ग्रो होते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने ही है कि सभी प्लांट बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। ये ड्रेसिना का प्लांट है फ्रेंड, ये देखिए कितनी छोटी सी बोतल है और इसमें लगा हुआ है प्लांट, कितने अच्छे से कटिंग से लगा हुआ प्लांट है मेरा फ्रेंड। मेरे गार्डन में ऐसा बहुत सारा मटेरियल है, और भी देखिए, रसोई का निकला हुआ टब था फ्रेंड, इसको मैं बहुत समय से यूज़ करती भी आ रही हूँ। तो इसमें जो है घास फूस हो गया था, सब मैंने कट फेंक दिया काट कूट के, और मिट्टी को तैयार किया है। इसमें मैं कुछ लगाऊंगी, और काफ़ी समय से कभी मैं इसमें पालक लगा देती हूँ, कभी इसमें मैं मेथी लगा देती हूँ। अब जो है सीज़न आ रहा है मेथी पालक का। ये देखिए टोकरी है टूटी हुई, इसका यूज़ भी मैं अपने गार्डन में करती हूँ। और भी मैं दिखाती हूँ फ्रेंड, ऐसे तो मेरे गार्डन में बहुत सारा सामान है। ये देखिए बेकार डाबर का डिब्बा जिसमें स्नेक प्लांट लगा हुआ है, ये देखिए बेकार की बॉटल जिसमें लगा हुआ है डेविल बैकबोन का प्लांट फ्रेंड। ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है, ये देख सकते हैं प्लांट की। ये देखिए फ्रेंड, आप भी इन बोतलों को बिल्कुल ना फेंकें और इनका यूज़ करें। ये देखिए, ये 5 लीटर का केन मेरा ऑयल वाला, और इसमें देखिए फ्रेंड फ्लावर भी आ गए हैं कॉस्मोस के। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए, ये देख सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पर भी ये ऑयल का केन है फ्रेंड, ये देखिए इसमें सिंगोनियम लगा हुआ है, ये ऑयल का केन है फ्रेंड, इसमें ये मैक्सिन पेटोनिया लगा हुआ है। और ये देखिए फ्रेंड, ये बेकार के कट्टे हैं जो हमारे घर में चावल वगैरह आता है या कुछ आता है उसके कट्टे हैं, और उसमें मैंने ये ना टमाटर के पौधे लगा दिए फ्रेंड, और इनके टमाटर के पौधे बहुत अच्छे से हो रहे हैं, और एक छुटकू सा टमाटर भी निकल कर आ गया फ्रेंड यहाँ पर। ये देखिए ये, और यहाँ पर भी इसमें भी लगाया हुआ है मैंने। तो फ्रेंड मेरे गार्डन में तो ऐसा बहुत सारा परमार आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर भी देखिए पूरा ही। तो मैं इसका एक पार्ट टू भी बनाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि अभी ये जो है पूरा नहीं हुआ है अभी, तो इसका मैं पार्ट टू बनाऊंगी और आपको और भी अपनी आइटम दिखाऊंगी गार्डन की। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। बाय, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।